तो स्वागत है आप सभी लोगों का भाई मेरी फेवरेट वीडियो में, मेरी फेवरेट चीज करूंगा भाई मैं आज। क्या है वो? ट्रेन लेंगे भाई, वो ट्रेन नॉर्मल नहीं, बुलेट ट्रेन। ये है वॉक्जाल। वॉक्जाल का मतलब होता है ट्रेन स्टेशन, अगर आपको नहीं पता तो। स्टेशन होता है मतलब वॉक्जाल का मतलब यार, ठीक है। ये ताशकेंट है पर यहाँ पे टॉशकेंट लिखा है। ये ट्रेन स्टेशन है और सेंट्रल एशिया में एकमात्र देश है जहाँ पे चलती है बुलेट ट्रेन भाई। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन स्टैंड्स में पाकिस्तान भी मान सकते हो तो, पर इन चार स्टैंड्स मानते हैं और कजाकिस्तान, इनमें से सिर्फ शायद उज़्बेकिस्तान में बुलेट ट्रेन चलती है। तो मैंने कहा ये मिस नहीं कर सकते ना, बोलीविया में ट्रेन मिली मेरे को, ना ब्राज़ील में ट्रेन मिली, तो बहुत महीने हो गए, दो महीने हो गए मैं ट्रेन में नहीं बैठा। मैंने कहा कल हम आए थे यहाँ पे तो, अरे पासपोर्ट में फिर नहीं लेके आया। अरे भाई मैं पासपोर्ट नहीं लाया पासपोर्ट नहीं लाया मैं ये कुछ लिखा है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट देता कासा का मतलब टिकट। तो यहाँ से मिलेगी टिकट, ट्रेन स्टेशन वहाँ पे है भाई, ठीक है ना। वह जनरली तो ट्रेन स्टेशन में मिलती है, यहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम है। चलो ये है भाई यहाँ पे टिकट का सीन। नंबर वाइज जाना है, रात को कुछ ऐसा सीन था नहीं, 261 है वहाँ से एक काउंटर सा, उसमें से आप टिकट निकलवा सकते हो। और 261 257 तक आ चुका है नंबर, जाके देखते हैं शायद आज बुलेट ट्रेन ना हो क्योंकि रोज़ नहीं चलती है, तो या तो आते वक्त ले लेंगे या अभी देखते हैं कौन सी टिकट मिल पाती है। यहाँ से ही सिम कार्ड में देख लूँगा, पूछ लूँगा, देते होंगे तो। 257 वाला बंदा आ गया है काउंटर नंबर पे, टिकट नहीं आता था क्या? तो यहाँ पे बुलेट ट्रेन तो नहीं मिल रही। 18:50 सही है। Spoils, okay, хорошо. Да. Spoils, да, хорошо. Spoils. 3:19 на дороге. Okay. रात को 3 बजे पहुंचेगी? नहीं। Самарканд, часа? Самарканд. Вот, Ташкент. 18:50. Да, та Самарканд? Нет. Самарканд прибывает. Да. रशियन बंदा हमारे साथ हमारी हेल्प कर रहा है, एक आया है। तो भाई दो टिकटों की पेमेंट है 1,60,000 रुपए नहीं, सोम उज़्बेकिस्तान सोम। ये हमने दे दिए पैसे, पासपोर्ट भी चाहिए होता है। 1,60,000 सोम की, वो भी इकोनॉमी वाली टिकट। अगर वो होते तो करोड़ों रुपए की टिकट आती है। फर्स्ट क्लास के लिए तो बाजी करोड़ों की टिकट आती है। 18:50 पे यहाँ आना है तो अपनी एक, देखो मैं एक रिकमेंडेशन और देता हूँ, अपनी हमेशा घड़ी 24 आवर्स पे रखा करो भाई। ओके 18 पे यहाँ 6 बजे आना है। हाँ ये ठीक है, एक ही टिकट है दोनों। अच्छा हो गई प्रिंट भाई, रुको। इसका तो वो हाँ ABS एक्सप्रेस यूल हुजती टिकट खरीद ली 1,60,000 सोम की, जो कि कितने होते हैं $16 के करीब होते हैं शायद। दो टिकट 1,60,000 कितने हो गए? 1,60,000 हो गए, 1,000 होता है 70 रुपए, 1,00,000 हो गए 700 रुपए। तो भाई बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है भाई, मतलब 1,300-1,400 में दो टिकट आ गई भाई, ठीक है। यहाँ से समरकंद। चलो ठीक है भाई, अंग्रेज की 18:50 की ट्रेन है और 8 बजे पहुंच जाना, 8 बजे नहीं सॉरी 6 बजे, 6 बजे पहुंच जाना है यहाँ पे। तो तीन ब्लॉगर भाई उसके मुंह पे तीन कैमरे हंसने लग गए। और यहाँ पे भाई कोई भी मिलेगा भाई आपको नमस्ते तो जरूर करेगा, अगर उनको पता चल गया आप इंडिया से हो तो। अभी हम जा रहे हैं शायद यहाँ के बढ़िया वाले मेट्रो स्टेशन पे, इस वीडियो में तो नहीं होगा वो वाला, ये तो सिर्फ ट्रेन के लिए वीडियो है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, हम बैग लेने आए अपने और ये कहते हैं आपकी ट्रेन तो भाई दूसरे स्टेशन से, स्लो वाली ट्रेन किसी और स्टेशन से जाती है, इस वाले से सिर्फ फास्ट ट्रेन जाती हैं। तो भाई मैंने कहा भाई वो कितना दूर है, कहते 5-6 किलोमीटर। मैंने कहा भाई 1,60,000 गए पानी में। तो मैंने कहा भाई जल्दी चलो फिर। तो फिर हमने टिकट पर पढ़ लिया
शायद यहीं से है। अब नहीं हुआ तो भाई फिर तो गए, 6:20 तो हो ही चुके हैं और आधा घंटा बचा है, तो मेरे हिसाब से यही है क्योंकि बस यही है, मेरे को पता यही है क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि यहीं आना है आपको, तो चल रहे हैं। थोड़ा सा दूर है पैदल का रास्ता। आज ही अभी मार्केट में गए हैं, बैग वैग यहाँ छोड़ दिया, हो रहा ट्रेन स्टेशन। पाजी कह रहे हैं अगर किसी और स्टेशन से होगी तो वैसे भी छूट चुकी है ट्रेन, 20 मिनट में 6 किलोमीटर तो नहीं पहुँच पाएंगे भाई। अब तो लेने गए हैं अभी कुछ खाने पीने, क्योंकि हमारा प्लान था कि इंडियन रेस्टोरेंट से खा पी के निकलेंगे, पर वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि हम लेट हो गए। क्या हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे 30 मिनट में? अरे ऑब्वियसली पहुँच पाएंगे। यहाँ बैग छोड़ गए हैं, मैंने कहा बैग के साथ मैं बाहर बैठता हूँ, फटाफट खरीद के ले आओ। डाउन ये आ गया टॉशकेंट का स्टेशन आदत हो गई है, टॉशकेंट ऊपर लिखा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं भाई, टिकट चेक करी और नकली सा बैगेज चेक किया, ठीक है चलो। पासपोर्ट देखा ही नहीं। हाँ कितना टाइम हो गया? 6:50 की टिकट है और ट्रेन है अभी 18:31, मतलब 6:32 हुए हैं, 18:50 की ट्रेन है, 18 मिनट ही पड़े। हाँ यहाँ पूरी चेकिंग होगी, ये तो समझ आते हैं। ओके क्या अरे भाई जल्दी हो रही है थोड़ी। चलो यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारी जाएगी ट्रेन। अब स्टैम्प मारा कहाँ है इसने, लगाई नहीं पूरी टिकट पे कहीं स्टैम्प। नाटकबाजी भाई, नाटकबाजी फुल कर रखी है इन्होंने। ये पाजी ने इतना सारा सामान खरीद लिया, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए पाजी को दे दिया मैंने सारा। यहाँ से जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4। आफ्रोसियाब भी खड़ी थी ना? आफ्रोसियाब का मतलब है यहाँ पे बुलेट ट्रेन, ठीक है हमारी है। हमको आज मिल नहीं भाई, सीट फुल भाई पाजी। हाँ। सीट फुल। हाँ। मॉस्को में मैंने 10 मिनट पहले भी खरीदी है टिकट भाई साहब। तो हमको आज बुलेट ट्रेन की टिकट नहीं मिल पाई आफ्रोसियाब की, जैसे मॉस्को में कुछ और कहते हैं बुलेट ट्रेन। 2, 3, 4 इधर ही है ना। अरे डिब्बा विब्बा भी नहीं पता पाजी अभी तो हमको, डिब्बा सीट कुछ नहीं पता हमको। हाँ ये पहुँच गए, ये हमारी ट्रेन और नेक्स्ट डिब्बा का है शायद, ये वाला हो सकता है। यस विच सीट 15, 16। थैंक यू। तो भाई ये हमारी ट्रेन 1516 सीट नंबर, मतलब एक विंडो सीट हो गया ना भाजी। पाजी ये तो गरीबों वाली है। तो भाई ट्रेन में गर्मी है यार, क्यों पसीने आ रहे हैं? पाजी कह रहे हैं, क्या कह रहे हो पाजी? कंजूस है थोड़े से ना ये। वो देखो वो भी एक पुरानी सी ट्रेन खड़ी है और हमको ये सीट मिली, मतलब कोई और हमारे आगे दो आके बैठेंगे या फिर अगर फुल नहीं हुई तो नहीं बैठेंगे। तो पानी पी लो बाद में आराम आराम से। ठंडा है पाजी? नॉर्मल है, बहुत ठंडा नहीं है। अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं। जूस वूस पाजी पता नहीं क्या क्या खरीद के लेके आ गए हैं। बिल आया 66,000 का। अरे पाजी बहुत शॉपिंग कर रहा है यार, 66,000। मैंने कहा जल्दी दे दे, मुझे मतलब ज़्यादा ही लगा लियो। पर केले महंगे होते हैं यहाँ पे और कुछ नहीं। देखते हैं क्या क्या है। पक्का केले महंगे होंगे, 30,000 के केले होंगे। 66,000 समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। टाइम ये देखो 23 के केले, 12 मिनट। अरे सबसे गलत बाहर खड़े हुए क्या? ये खड़ी भाई इन लोगों की बुलेट ट्रेन आफ्रोसियाब, इसमें होंगे कुछ 8 डिब्बे हैं। ये बुलेट ट्रेन की लाइन है, उस तरफ से भी एक ट्रेन आ रही है, ये वाली हमारी ट्रेन है। और यहाँ लिखा है वेलकम इंग्लिश में भी और शायद रशियन में भी और इनकी उज़्बेक लैंग्वेज में भी। टॉशकेंट यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, वो दिखाता हूँ अभी। तो भाई यहाँ पे बज चुके हैं अभी 6:40 और देखो बिल्कुल अंधेरा नहीं हुआ है, बिल्कुल दिन है अभी। तो ये मैं भूल गया था जब ब्राज़ील से आ रहा था ना, मैं भूल गया था कि यहाँ पे गर्मियाँ चल रही हैं तो यहाँ पे टाइम लंबा चलता है, और क्योंकि ब्राज़ील में जल्दी अंधेरा हो जाता है 5 बजे, तो मेरे को आदत नहीं थी।
मैं कह रहा कल यार 8 बजे तक दिन हो रहा है यहाँ पे, तो फिर मेरे को अभी याद आया, पहली बार मैं सदर्न हेमिस्फीयर में गया था तो वो थोड़ा अलग हो गया था। और देखो यहाँ पे ये वाली ट्रेन थी, कभी गोप्रो ऑन नहीं होएगा कभी, मतलब टाइम पे यहाँ पे टीटी सारे लड़के हैं, रशिया में ज़्यादातर लड़कियाँ होती थी, यहाँ की रेशो फिर भी 50-50 है ऐसा, आधे लड़के आधे लड़कियाँ। रशिया में क्या है कि ना मेट्रो स्टेशन पे तो सारी लड़कियाँ ही काम कर रही थी। लड़कों को पता क्या है, रशिया में लड़कों को आर्मी पुलिस की थोड़ी सख्त जॉब दी जाती है, मतलब जहाँ पे लड़कियों से काम चल जाता है ना वो वहाँ पे लड़कियों के लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लड़कों की कमी है। एक रशिया ही ऐसी कंट्री है दुनिया में, रशिया यूक्रेन, सबकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, 10 साल में रशिया की पॉपुलेशन कम हो गई है, 2 मिलियन लोग कम हो गए हैं पहले की पॉपुलेशन। मैं जब रशिया में ट्रैवल कर रहा था ना ट्रांस साइबेरियन से, तो मेरे को डर क्या लगता था ट्रेन से उतर के, भाई चली ना जाए, मेरे को विश्वास नहीं था उन पे, पर वो बिल्कुल टाइम पे चलते थे। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि टाइम पे ही चलेंगे, तो इतना कोई डरने की बात नहीं है। अंदर तो पूरी गर्मी हो रखी थी भाई, अंदर नहीं बैठ सकते। ये भी आफ्रोस आप भी खड़ी है अभी, इसके साइड में एक और ट्रेन आके खड़ी हो गई है, पसीनों से हाल देख रहे हो। तो यहाँ पे अभी वो टीटी आया, ये वाले शीशे उस साइड के खुले थे सारे, तो ये सारे शीशे बंद करे हैं और अब शायद एसी चलाएंगे लोग। मैप पे देखो भाई, ठीक है, अब ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ये है कजाकिस्तान। क्या ये ट्रेन इसमें से आर पार हो जाएगी, ऐसे सीधी जाएगी या फिर ऐसे घूम के जाएगी? मेरे को तो लग रहा है भाई कजाकिस्तान में से आर पार होएगी है, क्योंकि उन्होंने कहा होगा ट्रेन रोकनी नहीं है, आप लेके चले जाओ पर रोकनी नहीं है ट्रेन, कुछ ऐसा होगा या तो, और अगर घूम के जाते हैं तो वो बता दूंगा। मेरे को तो लग रही है आर पार होएगी, पाजी को लग रही है घूम के जाएगी, तो देखते हैं भाई। वैसे तो घूम के जाने के ज़्यादा चांसेस, ऐसे किसी और के बॉर्डर में थोड़ी घुसा देंगे, पर हो सकता है, इन दोनों देशों में दोस्ती तो है ही। अब ये देखो भाई, यहाँ से ना पैरेलल हो गई, ये अंदर तो नहीं गई, यहाँ से मतलब होगा 1 किलोमीटर मुश्किल से, 1 या फिर 1.5 किलोमीटर। ये देखो ये लिखा देखो मैप पे लिखा है कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान, यहाँ से हम चले जाएंगे। वो जो उस तरफ जो पाजी कह रहे उस तरफ जो भेड़ बकरियाँ है ना वो कजाकिस्तान है, ये उज़्बेकिस्तान है, इस रोड के परली साइड उस साइड कजाकिस्तान है भाई, तो इतना पास है। देखो इसको भी टोन लिख रखा है, ये स्टेशन आ गया गुलिस्तान, और इसमें भी आप देखोगे तो एक ही जगह ओ लिख रखा है गुलिस्तान, तो ये यहाँ का स्टेशन है। 2 मिनट रुकी थी यहाँ पर ट्रेन बस। तो भाई ये बंदे पीछे पानी जूस वगैरह दे रहे हैं, तो भाई आपको पिछली ट्रेन में मिला था बिजनेस क्लास में? यार कुछ भी नहीं दिया, पानी एक खाली गिलास रख के गया था, कहता अपना डाल के पी ले, बिजनेस क्लास दी वो मैंने, बिजनेस क्लास पे करे थे, 8 घंटे की ट्रेन थी वो 300 किलोमीटर। तो ये तो अभी हम आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर चुके हैं, टाइम हो चुका है 20:21, कितने बजे पहुँचना है? 8:21, 10:10 पे पहुँचना है हमको, अभी तक भी अंधेरा नहीं हुआ। देखो आप उस तरफ तो मतलब सनसेट टाइप हो रखा है बिल्कुल, तो देखते हैं ये बंदे कुछ देते हैं नहीं देते हैं। क्या लग रहा है भाजी, हम आपको देंगे? मुझे लग रहा है नहीं देंगे भाजी, नहीं देंगे, हमारी इज्जत नहीं कर रहे भाजी, प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर रहे। पैसे बर्गर बेचने आते रहते हैं, ये चिकन बर्गर है भाई, चिकन तो मिल जाएगा, वेज नहीं था, तो ऐसे बंदे आएंगे बेचने, पानी वानी सब कुछ। ये 17,000 का था, मतलब देख लेना भाई नीचे लिखा है कितने का है। पूरी दुकान लगा रखी है उन्होंने, वो पूरे वो ब्रेड की कुछ भी नहीं है उसको, सिर्फ ब्रेड ही ब्रेड है। लेने क्या ना ना आपको लेने, मेरे पास दो पड़े हैं, पर मैं सोच रहा हूं आपको नहीं होंगे, रहने दो, नहीं 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 होंगे। तो भाई ये पहुंच गए हम समरकंद, 22:09 का टाइम था, 22:09 पे ही पहुंचे हैं भाजी, पूरे टाइम एक भी मिनट ऊपर नीचे नहीं है, मतलब क्या बता रहे थे इंडिया में, मैंने कहा इंडिया में तो किसी छोटे मोटे स्टेशनों का टाइम नहीं होता, मतलब अगर पहुंच जाए ना 5-10 मिनट जैसे हो जाए लेट, जैसे 9:50 का टाइम है और 55 पे चल लेना तो बंदा, 55 छोड़ो 10 बजे भी चल लेना तो बंदा ये बोलता है अरे यार आज तो बड़ी सही टाइम पे चल गई, 10-15 मिनट की वैल्यू नहीं है, आधे घंटे तक सही टाइम होता है। तो ये पैक्टोपा लिखा है मतलब रेस्टोरेंट, मतलब मैं तो गलत पढ़ रहा हूँ, रेस्टोरेंट कार्ड भी थी, तो शायद लंबे जर्नी वाले पे मैं आपको दिखाऊंगा,
इस तरफ उतारा है, ये समरकंद का स्टेशन है। चलो भाजी यही उतार देते हैं, तो हम आ जाते इतना ये कौन गहरा थोड़ी ना था ये। दोनों तरफ के खोल देते हैं इंडिया में तो भाई जिसको जिधर उतरना उतर दो। एग्जिट टू द सिटी चल पड़ी बस वही दो 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 तीन मिनट होगा तीन। हाँ नॉट स्पोर्टेड बाय आवर सर्विस मैन, जिस मार्केट में चलती नहीं है इनसे बात करनी पड़ेगी। रेगिस्तान हॉस्टल, राजस्थान हॉस्टल। हाउ मच यू चार्ज? 2% 40,000 तो यहाँ पे नहीं चलता है क्या कहते हैं अपना येंडेक्स टैक्सी, तो आपको लोकली लेनी पड़ेगी। वो रेगिस्तान हॉस्टल है वो दिखा रहा है 6 किलोमीटर पर बंदा मांग रहा है 40,000। 40,000 तो भाई बहुत महंगा है, 30,000 में करेगा तो चल पड़ेंगे, 200 रुपये होता है 30,000। देखते हैं भाई यहाँ पे टैक्सी वाला 30 तक मान गया है पर हम कह रहे हैं 25। तू खरोशो नहीं कर रहा ना हमारे साथ यार, मैं खरोशो खरोशो कही ना हमारे साथ खरोशो नहीं कर रहा तू भाई। 25,000 बोल दे, 25,000 पता कितने होते हैं, 5 से गुना करोगे तो एक आईफोन आता है इंडिया में। इसको क्या हिंदी में समझा रहे हो भाई, समझ रहा है यार सिटी में मौसम कितना सही लग रहा है, पर खैर राजकोट में भी अच्छा था, सुबह हो जाएगी गर्मी यहाँ पे है भाई। हाँ ये बंदे को सारी हिंदी आती है, सारे तो हिंदी मूवियों के नाम पता है इसको। क्या बोल रहा था अभी? इतनी तो बोल गया अभी इसको हिंदी, अभी इधर लेके जा रहा है। अरे आ जाओ चलो आ जाओ चलते कोई। मजे हो गए इसके, एकदम से 30,000 लेगा तो 30,000 में मान गया चलो ठीक है कोई नहीं। इसको हमारे जैसे वैसे 3-4 बंदे मिल जाए तो इसका तो एक आईफोन हो गया, दिन का एक आईफोन। चलो सर आगे बैठोगे? ना ना इधर चलो, इधर ही बैठ जाते हैं भाई। यहाँ पे ट्रैम है, ये खड़ी हुई है चलती ना, ड्राइवर ही नहीं ड्राइवर इस तरह ये रहा, ये निकल रहा है मेरे का ड्राइवर ही नहीं। तो कल इसमें ट्रैम में ट्रैवल करेंगे, टैक्सी यहाँ पे मैं नहीं कर रहा। ये तो 7 किलोमीटर दिखाने लग गया। अरे वो चलने का था शायद 6 किलोमीटर, चलने का 6 8 किलोमीटर, 7 भी नहीं है, 7.9 है। एक और खड़ी है ट्रैम, खड़ी है चल रही है। इज अ ट्रैम ताशकंद, ट्रैम ताशकंद। हाउ मच इज द कॉस्ट? 2000 सोम। चलो सही है कोई नहीं, करके नोट हो ना 5-5 सौ 15,000 1.5 लाख 15 लाख। चलो भाई हम 15 लाख रुपए निकलवाते हैं उड़ी लाइक से, ज्यादा नहीं होंगे 15 लाख होंगे, ये कुछ बनेगा 10,000। 10,000 नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे 7,000। और अरे तो पहले बताते यार, तो अभी तो हमने 15 लाख 15 लाख निकलवाए हैं, अबे नहीं निकले, कम पड़ गए, इनसफिशिएंट पड़, इनसफिशिएंट आ गए। हाँ यार 3500 हो जाए तो 5 लाख। हाँ 10,000 पाने 11,000 हो गए भाई। ये अभी भाई से एटीएम की बस की थी सिर्फ 13 लाख रुपए निकालना, तो 13 लाख रुपए निकलवाए हैं हमने, और पाजी निकलवाएंगे अब 15-20 लाख, पंजाब के बंदे अमीर थोड़े। नहीं मैं पहले और एक 10 लाख निकलवा चुका हूँ, 10 और निकलवाऊंगा बस। लाओ फिर लाओ, जल्दी लाओ भाई हमारे पैसे, लाओ पाजी खींचो इन पैसों को, रकम देखो, ओए रकम रकम रकम, ओ पैसा क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों तू मरती है, क्या बात है क्या चीज है पैसा।